दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास में पेडिस्टल फैन है तो आप उसको कैसे आसानी से रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मेरे पास में भी एक फैन रिपेयर के लिए आया है और मैं आज उसको रिपेयर करने वाला हूं और आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे कि आप बहुत ही आसानी से अपने फैन को जो है वो रिपेयर कर सकते हैं और आप ये भी जान पाएंगे कि उसमें क्या कमी होती है। दोस्तों वीडियो पर बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को भी ऑल पर दबा दें। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि फैन में क्या प्रॉब्लम है और आप उसे कैसे रिपेयर कर पाएंगे। दोस्तों ये मेरे पास में पेडिस्टल फैन है, आप देख पा रहे हैं दोस्तों, और इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये बिल्कुल भी चल नहीं रहा है, ये जाम है और ये पोलर कंपनी का है। तो चलिए मैं पावर में लगा करके जो है वो इसको आपको दिखा देता हूं कि इसमें क्या दिक्कत है। देखिए मैं इसको पावर में लगाता हूं और उसके बाद जब हम इसे ऑन करते हैं तो दोस्तों ये सिर्फ हल्का सा घन्नाटा देता है पर ये चलता नहीं है, ये सिर्फ घन्नाटा दे रहा है लेकिन ये चल नहीं रहा है। तो दोस्तों इसी को आज रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसको कैसे रिपेयर करते हैं। तो दोस्तों मैं इसको फटाफट से ओपन कर लेता हूं और उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या दिक्कत होती है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि मोटर जो है वो मैंने बिल्कुल ही अलग कर ली है। चलिए अब हम इसको एक बार और चेक करके देख लेते हैं। दोस्तों मैंने इसको ऑन कर दिया है लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं चल रही है। तो चलिए दोस्तों ये फिलहाल नहीं चल रही है। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों हमें इसके बुश चेक करना होते हैं, ये जो लगे हुए हैं शाफ्ट के बीच में, ये बुश चेक करना होते हैं। लेकिन दोस्तों ये मोटर जाम तो है नहीं, अगर जाम नहीं है दोस्तों तो फिर इसके बुश भी खराब नहीं है। इस कंडीशन में दोस्तों हमें सबसे पहले इसका कैपेसिटर चेक करना होगा कि कैपेसिटर खराब है या सही है। तो दोस्तों अगर कैपेसिटर खराब नहीं होगा तब हम इसके आगे देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों इसमें जो कैपेसिटर लगा है वो 2.25 MFD का कैपेसिटर लगा है। दोस्तों चलिए इसको हम चेक करके देख लेते हैं कि ये खराब है या नहीं है। अगर ये खराब नहीं होगा दोस्तों तो इसके आगे देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम होती है। दोस्तों इसका कैपेसिटर जो है वो फिलहाल ठीक है। दोस्तों अब चलिए हम इसकी मोटर को और चेक कर लेते हैं कि इसकी मोटर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये कैपेसिटर क्यों की नहीं। वायर लगा दी है। चलिए अब मैं इसकी कॉइलों को चेक करके देख लेता हूं कि ये मोटर की कॉइलें जो हैं वो ये वाली काम कर रही है या नहीं, क्योंकि ये दोस्तों रेगुलेटर वाली मोटर होती है, ये जो स्पीड में भरी हुई होती है रेगुलेटर से, हाई स्पीड लो स्पीड नॉर्मल के लिए जो होती है ये वो वाली मोटर है भरी हुई। दोस्तों ये डायरेक्ट नहीं चलती है कूलर मोटर की तरह, एक ही स्टेप पर नहीं चलती है ये। तो इसका फिलहाल 2 के वायर लगे हुए नहीं है, एक ही स्विच का लगा हुआ है। चलिए मैं इसको भी चेक कर लेता हूँ, मैं सारे स्विच ऑफ कर देता हूँ। देख लीजिए सारे स्विच ऑफ हैं। अब मैं ये वायर लगा करके देखूंगा कि ये मोटर जो है वो चलती है या नहीं चलती है। इसको मैंने पावर में लगा दिया है। दोस्तों आप ये बहुत ही सावधानी से करें और इसको मैं वायर पर लगाकर देखता हूँ। दोस्तों मोटर नहीं चल रही है और इसको लगाने पर भी मोटर स्पार्किंग कर रही है लेकिन चल नहीं रही दोस्तों है। ये मोटर पूरी तरह से खराब है, अब हमें इसको नए सिरे से बाइंडिंग करना होगा। दोस्तों वीडियो को दोस्तों लाइक करें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि बहुत ही जल्द इसका वाइंडिंग का वीडियो आने वाला है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।